everybody. So, आज हम बनाने जा रहा है ये सब बनाएंगे हम बेम्बू में, और इसको जोंगटा को हम बाद में इसको जला के चटनी बनाएंगे। तो चले देखते हैं मेरा ये बेम्बू में बनाने वाला सब्जी कैसे बनता है, और ये स्ट्रिंग बीन का चटनी भी बनाएंगे मैं। तो बने रहिए गाइस। पहले मैं ये सब यहाँ पे डो लेती हूँ, उसका बाद काटेंगे उसका बाद यहाँ पे डालेंगे। सिर्फ एक है यहाँ पे, ये सब नहीं घुसेगा ना क्या, देखता है जितना घुसता मैं घुसा देगा। चलो यहाँ पे मैंने सब्जी काट लिया, अभी ये थोड़ा निकलाएंगे। मैंने इसको डो लिया पहले, तो डालती हूँ, घुसाड़ेंगे सब। इसके बाद में मैं बीच में ही डोल डाल देंगे। अरे सब नहीं घुसेगा ना क्या, सब नहीं घुसने से थोड़ा ये पकने के बाद में हम इसको थोड़ा इससे कर देंगे, उसका बाद फिर डाल देंगे। चूल्हा में लेके चलती हैं। चलो रुके रुके रुके, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, हो जाएगा। चलो लेके चलती हैं। आप अगुन जलाएंगे। चलो क्या हो रहा है इस अगुन को, हो गया। अभी मैं कोला पाटा करने जा रहा है वहाँ पे बेम्बू पे बंद करने के लिए, तो चलते हैं। कोला पाटा कहाँ मिलेंगे, मैं अभी यहाँ पे ही। ओहो आजा आजा, देखो मिल गया, मैं चलते हैं बेम्बू को बंद करेंगे इससे। हिडोल डालेंगे अभी यहाँ पे, हिडोल मछली डाल देंगे। और थोड़ा पानी डाल देती हूँ, नमक पानी होने के लिए, उसके डो के यहाँ पे बंद कर दूंगी मैं। बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको डालेंगे भांडा, सूखा वाला भांडा। अभी मैं यहाँ पे भांडा डालेंगे, हे गर्मी थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, मशरूम वाला पार्ट लेंगे मैं यहाँ पे। तो
वाह बहुत टेस्ट हुआ। मैंने इतना टेस्टी सब्जी बनाया है तो कुछ तो स्पेशल बनता है ना। चलो चल के देखते हैं, ये ग्लास लेके चलते हैं। ओह माय गॉड, इसके साथ में अभी वो सब्जी। अभी मैं इसको खाएंगी, मशरूम। चीयर्स। बहुत मीठा है गाइस, बहुत मीठा है। बाय। अगर आप लोग को मेरा ब्रेन जिबा करने वाला रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर, और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर मेरा चैनल को अच्छा लगा तो प्लीज़ बेल बटन को टिंग कर देना। बाय।